हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल यानी अरहान एंटरटेनमेंट में। मैं हूँ राशि शेख। तो आज से हम लोग एक नई चीज शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि कुछ ऐसे एपिसोड जहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो मूवीज आप लोग देखने जाते हुए, क्योंकि पब्लिक का बहुत ज्यादा डिमांड है कि उन लोगों को हॉरर स्लैशर मिस्ट्री से भरपूर मूवीज के बारे में फिल्में ये सारी फिल्में हमें बताइए कि सर हमें ये सब फिल्में देखना। तो उन लोगों को मैं इतना ही बोलूंगा कि अब फाइनली वो वक्त आ चुका है जहाँ पर रॉन्ग टर्न हैचेट और उससे भी ज्यादा डरावनी स्लैशर फिल्में या हॉरर फिल्में या मिस्टीरियस से भरपूर फिल्में के वीडियोस इस चैनल पर जरूर आएंगे। हर हफ्ते एक वीडियो आएगा। तो ये जो एपिसोड आज से शुरू हुआ था, इस एपिसोड को आप लोग सपोर्ट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट करके बताओगे कि आप लोगों ने ये फिल्में देखी है या नहीं। और मैं आप लोगों को एक अच्छी टेलीग्राम अकाउंट में ये सारी फिल्मों की लिंक आप लोगों तक पहुंच सके, ताकि आप लोगों को ये सब फिल्में डाउनलोड करने के लिए ज्यादा परेशानी ना हो। तो ज्यादा समय ना ले, तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो हमारी पहली मूवी है फ्रंटियर। इस मूवी को आईएमडीबी ने 6.2 की रेटिंग दी थी। इसमें हमें करीना टेस्टा, सैमुअल ली बेहर, स्टीलर लेफिवर और ऑरेलिनो विक नजर आते हैं। इसे डायरेक्ट किया था जेवियर जेफ ने। कहानी शुरू होती है पेरिस से, जहां इलेक्शन की वजह से राइट हो रहे होते हैं, राइट यानी दंगे। वहां पर रह रहे कुछ लोग यानी टॉम, फरीद, एलेक्स, यास्मीन और समी किसी भी तरह से वहां से एम्स्टरडम जाना चाहते हैं। उनके पास बैग भर के पैसे भी होते हैं। रास्ते में टॉम फरीद डिसाइड करते हैं कि रात हो गई है तो कहीं रुक जाना चाहिए, और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। वो लोग जिस हॉस्टल में रुकते हैं उसे चलाने वाले कैनिबल लोग होते हैं। तब वो लोग बहुत बुरी तरीके से फंस जाते हैं। क्या वो लोग वहाँ से निकल पाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, तो ये मूवी आप लोग जरूर देखें। मैं कोशिश करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में इस मूवी का लिंक जरूर देने की, और अगर आप लोग ये मूवी ऑलरेडी देख चुके तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। अगली मूवी है रिकर्स, जो रिलीज हुई थी 2005 में। इसमें नजर आए थे डेवन कमर्शल, डेरिक रिचर्डसन, टीना इलमैन, स्कॉट व्हाइट, एरिला कैपेल। इसे डायरेक्ट किया था डेव पाइने ने। कहानी की बात करें तो कुछ दोस्त हॉलीडे पे जाने का डिसाइड करते हैं। रास्ते में डेजर्ट में उनकी गाड़ी खराब हो जाती, तब लोग वहीं पे एक मोटेल नजर आती है जहाँ पर वो लोग सोचते कि कुछ रात बिता ले। लेकिन वो मोटेल में जाने के बाद बारी से बारी इन लोगों की मौत होने लगती है, इन दोस्तों की मौत होने लगती है। ये मौत के पीछे कौन है, क्या कोई क्रीचर है, कोई मॉन्स्टर है या कोई कैनिबल लोग है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी रिकर। और मैं आप लोगों को इतना बोलूं कि इस मूवी के स्टार्ट के 3 मिनट ही काफी है आप लोगों को डराने के लिए। ये थी कुछ अनरेटेड स्लैशर मूवीज। तो यार ये एपिसोड 1 होने की वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को 2 ही मूवी का वीडियो बताया जाए। और अगर आपको मूवी के बारे में जानना है ऐसी ही दिलचस्प और अनोखी जिसके बारे में आप लोगों ने आज तक नहीं सुना, तो उसके लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना पड़ेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय। अपना ख्याल रखें और ऐसी सब चीजों से दूर बचें जो आप लोगों को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, बाय बाय।